हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हो। दोस्तों रुको, यहाँ पर मैं आपको QR कोड स्कैन करने के बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल नए ट्रिक के बारे में बताऊँगा कि कैसे आप लोग किसी भी फ़ोन में QR कोड के बिना स्कैन किए वाईफाई को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आपके साथ ऐसा बहुत बार होता है कि आपके फ़ोन में 10 से ज़्यादा वाईफाई कनेक्ट है और आप यहाँ पर चाहते हो कि आप अपने लैपटॉप को या फिर अपने पीसी को या फिर किसी दूसरे फ्रेंड के या फिर फैमिली के फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हैं इस वाईफाई से, तो ये ट्रिक आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी वाईफाई का पासवर्ड इजीली पता कर सकते हो, चाहे आप कोई नया फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हो जिसमें QR कोड स्कैन होता हो या फिर नहीं होता हो। ये ट्रिक सभी फ़ोन के लिए है, तो वीडियो को बिल्कुल भी एंड तक देखना और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस ट्रिक के बारे में कि कैसे आप लोग किसी भी कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले आना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से आपको जाना है वाईफाई में। तो यहाँ पर वाईफाई में जाने के बाद आपने जिस भी वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा हुआ है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एग्जांपल, मैंने अभी इस वाईफाई से यहाँ पर अपने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है, इसका पासवर्ड मुझे मालूम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे फ़ोन में इस वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट करूँ, तो यहाँ पर हमें इसका पासवर्ड पता करना पड़ेगा। तो पासवर्ड पता करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर टैप टू शेयर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सामने QR कोड आ जाएगा। तो यहाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर मैं QR कोड स्कैन करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर नया Android फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप लोग सिंपली इसका QR कोड स्कैन करके भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन बात आती है, अगर आप लोग कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर PC यूज़ कर रहे हो या फिर कोई पुराना Android फ़ोन ही यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको इस QR कोड का एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। देन स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको आ जाना है ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है QR कोड स्कैनर लेके सर्च कर देना है। देन यहाँ पर आने के बाद आपको कोई भी QR कोड स्कैनर यहाँ से ओपन कर लेना है। देन यहाँ से आपको इस प्लस आइकन पर टाइप करना है और अभी आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, एक मिनट। तो गाइस, अपलोड करने के बाद आप लोग देख पाओगे यहाँ पर हमारे सामने वाईफाई का नाम है और वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पर साफ साफ शो कर रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, आप लोग उससे भी इसका पासवर्ड पता कर सकते हो। यहाँ पर ये ऐप स्कैनर नाम से रहता है, आपको सिंपली स्कैनर ऐप को ओपन करना है और अभी आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था आपको सिंपली यहाँ पर इसे अपलोड कर देना है। देन यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो भी स्टार के फॉर्मेट में आ रहा है, यानी ये भी पासवर्ड जो है वो भी शो नहीं कर रहा है। तो पासवर्ड शो कराने के लिए आपको सिंपली इसे टैप करना है। तो आप लोग देख पाओगे हमारा जो पासवर्ड है ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी मैं वापस से इसी पासवर्ड से भी आपको वाईफाई से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस वाईफाई को इसे फॉरगेट कर लेता हूँ। तो ये वाईफाई अभी कनेक्टेड नहीं है, तो अभी मैं इसी वाईफाई के पासवर्ड से यहाँ पर आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देन गाइस, हमने पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दिया और मैं इसे कनेक्ट करूँगा। वाओ गाइस, आप लोग देख पाओगे कितना अमेजिंग है ना, हमने वाईफाई का पासवर्ड पता कर लिया और हमने अपने फ़ोन का भी कनेक्ट कर लिया। किसी भी फ़ोन में दोस्तों इस तरीके से वाईफाई का पासवर्ड पता करके कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो PC या लैपटॉप में भी उस वाईफाई से कनेक्ट करवा सकते हो। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ट्रिक के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, आपका अभी भी कोई डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट करना, मैं उस कमेंट रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं वीडियो को भी एंड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।